स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू होता है डिस्कवरी से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। जब हम किसी का भी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने निकलते हैं तो स्ट्रक्चर तभी एस्टैब्लिश कर सकते हैं साइंटिस्ट, उसमें क्या प्रेजेंट है उनको ये पता चले। पहले तो उनके दिमाग में ये आया कहाँ से कि कोई चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, कोई चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए एटम में। ऐसे तो नहीं हवा में कि एटम है। हमने प्रीवियस चैप्टर में एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी जिसमें से हमें ये पता चल गया था कि हर एक मैटर एक छोटे छोटे एटम्स का बना होता है और ये एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मगर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई, जैसे आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो कि आप स्केल को रब करते हो अपने हेयर्स के साथ और ऑफ टाइनी बिट ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब ये जो ये अट्रैक्ट कर रहा है बिट्स ऑफ पेपर, ये क्यों? अगर एटम उसने न्यूट्रल बोले थे, हमारे डेल्टन ने आके हमें कहा था कि एटम न्यूट्रल है, तो ऐसा क्या चीज है मैटर के अंदर कि ये अट्रैक्ट कर रहा है पेपर को? ये कुछ भी ऐसा जो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही है? साइंटिस्ट के अंदर आया कुछ तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई चार्ज है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट पहले डिस्चार्ज ट्यूब पे हुआ जिसे हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझाई हुई है, फिर रिमेम्बर। ठीक है जी, एक डिस्चार्ज ट्यूब लगाएगी, उसमें वैक्यूम फिट किया गया, ये है कैथोड, ये है एनोड। ठीक है, ये हमने वैक्यूम लगाया कि हम प्रेशर कम कर सके, क्योंकि जो गैसेस हैं बेटे वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, कैथोड कौन से चार्ज की होती है? नेगेटिव। एनोड कौन से चार्ज की होती है? तो ये एक कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगी हुई है, और ये एनोड है जो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगी हुई है। इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाएगी, अराउंड 10,000 वोल्ट। ठीक है जी, जब इन्होंने 10,000 वोल्ट, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन गैस बीच में डाल दी डिस्चार्ज ट्यूब में और वोल्टेज लगाई, अभी गैस का प्रेशर सही है, 1 एटमॉस्फियर है, तो मुझे कुछ नहीं आया, क्योंकि जो गैसेज हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो। मगर जैसे जैसे ये वैक्यूम से इन्होंने प्रेशर कम किया तो कुछ रेज यहां से निकलती हुई नजर आई, और ये जो रेज हैं, इधर हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की, वो चमक गई। ठीक है, फ्लोरोसेंस एक फिनोमिनन होता है बेटे, जैसे कि आपकी ये जो आपने देखा होगा रोड्स पे रेडिएटर लगे हैं, वो फ्लोरोसेंस फिनोमिनन के कारण लगे हैं। आप जब फिजिकल केमिस्ट्री हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो डबलेट ट्रिपलेट कैसे चेंज होते हैं, उसके कारण जब कोई चीज गिरती है तो वो चमकती कैसे है, जैसे कि आप वो एक बेडशीट आती हैं जो फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस फिनोमिनन के कारण चमकती है रात को, वो एक रात को चमकने वाले आपके स्टार्स और मून्स आते हैं जो लाइट बंद करके वो चमकने लग जाते हैं, तो ये यही सब फिनोमिनन होती है। ठीक है, जब रेडिएशन पड़ती है तो वो चमकते हैं। अब ये जब बेटे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये जो रेस बाहर निकली, एक तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये कंसीडर किया कि ये नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज उनको लगा कि होगी। ठीक, अभी तो ये रेज हैं, अभी वो रेज हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। अब मुझे क्या पता इसमें मैटर भी होगा, किसी किसी चीज की बनी भी होगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। पहले तो मुझे ये पता चला कि जब ये रेज आ रही है, ये चमक रही है, ये चमक रही है वो स्क्रीन, और क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। इससे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चले? फिर उन्होंने फर्दर इन रेज की स्टडी करी, डिफरेंट स्टीवन स्टडी। आप 11th स्टैंडर्ड में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम करोगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करोगे, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन दिखाएंगी, एक्सरे को इन्फ्लुएंस करेगी, बहुत सारी स्टडी करोगे।
इसमें से एक स्टडी है कि ये पता करने की कि हमें पता कैसे चला कि ये इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है। अब मान लो ये पंखा है, इसका बहुत लाइट वेट है, वेरी लाइट वेट, ठीक है। अगर मैंने पंखे को अगर ऐसे में रेडिएशन गिराती रहूं जिसमें कोई मैटर ही ना हो, कोई मैटर ना हो, तो पंखा मूव करेगा नहीं करेगा। अब कोई ऐसी रेडिएशन है जो एक छोटी छोटी बॉल्स लग रही है इनके ऊपर, ये पंखा इतना हैवी नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ही लाइट वेट पंखा है। अब इसके ऊपर बिल्कुल आप छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल्स मारोगे ना, पंखा मूव करना शुरू कर जाए, टूट भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इतना मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³⁻¹ लेके बैठा बस वो वन, ठीक है जी, ओके जी। तो जब ये रेज यहाँ पे कोई रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इन्होंने रखा, मान लो एक फैन सा रख दिया हमने, ये फैन मूव करना शुरू कर गया। अब रेडिएशन कभी कोई चीज को मूव नहीं करवा सकती, कोई पार्टिकल ही कोई चीज को मूव करवा सकते हैं, रेडिएशन कभी मूव नहीं करवाएंगे, लाइट रेडिएशन पंखे को क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि जो ये रेडिएशन है वो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो ये रेडिएशन पंखे को तो मूव करवा नहीं सकती, क्या करवा सकता है, मैटर मूव करवा सकता है। वो मैटर क्या था, वो मैटर थे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैथोड रेस किसकी बनी हुई थी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की, जिसका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज था, है भी, ठीक है जी। फिर उन्हें मास भी निकाला। अब क्या हुआ, आप बड़े एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जे जे थॉमसन पढ़ाएंगे, हम आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, वो 11th में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे हम, कि कैसे आया, क्यों आया, कैसे चार्ज निकाला गया, कैसे मास निकाला गया, तब बातें करेंगे। बीच में फैन लगाया था, हाँ जी लगाया था, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट लगाया था, ऐसे थोड़ी ना स्टडी करी थी रेस को, ऐसे थोड़ी ना उनको पता चल गया था इलेक्ट्रॉन है। फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाला गया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाला गया था, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे सब कुछ निकाला गया। इससे प्रूव क्या हुआ कि वो मैटर है, रेज नेगेटिवली चार्ज, आप कैसे कह सकते हो कि वो कोई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का बनाया, आप कैसे कह सकते हो। अब वो रेज है, मैं कहूँ ये रेज यहाँ से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मान लो ये ट्यूबलाइट से रेज आ रही है, मान लो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, हाउ कैन यू से दैट इट्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ कैन ग्लो। बेटे हमने ये प्रूव करना था वो मैटर है, कोई चीज भार है, भारी चीज किसी को मूव कर सकती है, सन रेज आ रही है क्या वो लीव्स को मूव करेंगी, उन रेज में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो मूव कर सकते हैं, समझ आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन की होगी डिस्कवरी जी, अब एटम तो न्यूट्रल है, हम क्या करें, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी पड़ी, है ना, तो साइंटिस्ट ने ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर जा, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कैथोड को थोड़ा सा आगे ले लिया, थोड़ा सा आगे कर दिया बिल्कुल यहाँ पे, और इस कैथोड में अब डिटेलिंग हम ऑनलाइन में कर चुके हैं, ठीक है। कैथोड में थोड़े से होल कर दिए, जिसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड ले ली इन्होंने, ठीक है जी। अब ये एक्सपेरिमेंट सेम किया, ठीक है। अब वोल्टेज इस तरफ से, तो इनको यहाँ पे अगर जब लाइट लगाई तो यहाँ से अब रेज निकलती नजर आई, तो यहाँ पे स्ट्राइक करी, पर ये आपने बात ध्यान में रखनी है, जो कैथोड रेज होती हैं वो तो कैथोड से आती हैं, जो एनोड रेज हैं वो कभी भी एनोड से नहीं आती, जिन्हें हम कैनाल रेज भी कहते हैं, वो इन बिटवीन कैथोड और इनोड बनती हैं। कैसे, जब कैथोड रेज ये जो बीच में हाइड्रोजन गैस थी इसके ऊपर बम्बार्ड करी, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए अलग, समझ आ रही है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए अलग, और हाइड्रोजन में है ही क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन,
यही तो है, और तो कुछ नहीं हाइड्रोजन में। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो कैथोड रेज बन के कैथोड से एनोड की तरफ गया, तो बाकी बचा क्या? प्रोटोन, मतलब प्रोटोन मतलब जो हम कहते हैं, हमें लगता है कि यहाँ से रेज आ रही है। एक्चुअली प्रोटोन कहाँ बना? इन बिटवीन। समझ आ रही है? इट सीम्स टू ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड, एक्चुअली इट इज नॉट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड। एक्चुअली इट ऑरिजिनेट बिटवीन द स्पेस ऑफ कैथोड एंड एनोड। देखो बेटे, इलेक्ट्रोड्स है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन देंगी देंगी, वो प्रोटोन थोड़ी ना देंगी। जो आपने टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करी है, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो प्रोटोन थोड़ी ना मूव करता है। आप इलेक्ट्रिक रन स्टडी करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं, तो प्रोटॉन्स थोड़ी ना ओरिजिनेट हो सकते हैं एनोड से। क्या ओरिजिनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन गैस के ऊपर जब बम्बार्ड करेंगे, वो गैस आयोनाइज हो जाएगी। जब आयोनाइज होगी तो उसमें से और भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो तो इधर मूव करेंगे, और जो बाकी है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट बच गया, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर गया है ना, और प्रोटॉन क्या आ गया? इधर। जिसे हमने कहा कि जो हमें लग रहा है कि इधर से इधर जा रही, तो वैसे इनकी स्टडी करेगी, वैसे इनका मास निकाला गया, वैसे इनका चार्ज निकाला गया, वैसे इनके भी बारे में पता चला कि ये भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करती हैं, सब कुछ। तो इन्हें हमने क्या बोल दिया? ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन है। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, फिर अब प्रोटोन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, तो पहला साइंटिस्ट आ गया हमारे सामने, जे जे थॉमसन, हवा में हैविंग मॉडल देने के लिए, ना कोई एक्सपेरिमेंट ना कुछ। वो कहते हैं मैं अब मॉडल दे दूं कि एटम का सब कुछ हमें पता चल गया कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसने एक तीर छोड़ दिया। ये मॉडल हो सकता है। अब मॉडल क्या है? पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। कहता जी जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है उसको समझ लो प्रोटोन है, और जो जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। या कस्टर्ड में, आपकी पुडिंग में जो कस्टर्ड है वो आपके प्रोटोन है, और जो आपने रेजिन्स डाले हुए, जो किशमिश बादाम काजू डाले हुए हैं, वो प्रोटोन। ठीक है जी, मतलब उसने एम ही मॉडल दिया हमें, कोई उसका नहीं है, उसने सिर्फ एक बस मॉडल दे दिया कि ठीक है। तो वाटरमेलन मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ प्रोटॉन्स इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एम्बेडेड। सो गॉट द पॉइंट? सो लिमिटेशन क्यों नहीं होनी इसकी? इसकी लिमिटेशन तो इतनी है कि नो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ही हैव गिवन टू अस, ही हैव डजंट टोल्ड टू अस हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कैन एग्जिस्ट टूगेदर। कुछ भी नहीं दिया, एमी मॉडल दे दिया हमें। ठीक है, फिर आया बेटे रदरफोर्ड, उस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया आपके लिए, एंड जेन्युइनली ही हैज प्लेस्ड अ ब्यूटीफुल मॉडल, बट वन एक गलती होने के कारण उसका मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। अदरवाइज उसके मॉडल में, उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में कोई भी कमी नहीं थी कि उसने इतना दिमाग लगाया, पर उसके जब था वो तब भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद ही साइंटिस्ट के दिमाग में आना शुरू हुआ कि न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अगर वो ये एक्सपेरिमेंट ना करता तो ना आज आपके पास बोहर मॉडल होना था, ना आपके पास क्वांटम का मॉडल होना था जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, और ना ही आपके पास इतनी डिस्कवरी होनी थी। बंदा बिल्कुल सही था।
बनाते हैं उसके साथ तारे लगाई चल पड़ा इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए। रदरफोर्ड ने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया जैसे कि रेडियम। क्या सी, ये तो ब्लॉक बनाया है, लेड का ब्लॉक। अब रेडियोएक्टिव आप ऐसे तो नहीं प्लेस कर सकते, आपके ऊपर रेडिएशन आनी शुरू हो जाएगी। लेड का बस इनफ। मैंने 10 मिनट में ये मॉडल समझा के ना, इसके बाद आपके टेस्ट होने शुरू हो जाने हैं। सिर्फ 10 मिनट में ग्लांस मिलना आपको। yes. समझ आ रही है? ऑनलाइन yes. में मैंने इतनी आपको धीरे धीरे चीजें समझाई है ना, जो आप सुनते नहीं हो जब आप गेम्स खेलते हो या इधर उधर घूम रहे होते हो। तो आपने बेटे उसने रेडियम लिया, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 टाइप की रेज एमिट करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें से जो अल्फा रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा नेगेटिव एंड गामा इज ए न्यूट्रल चार्ज। ठीक है जी। अल्फा जो रेज होती हैं उनका जो मास होता है वो एक हीलियम एटम जितना होता है। ठीक है, मास उतना ही होता है, यूनिट टू पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर होता है। मतलब हीलियम एटम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, सीधी सी बात। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। अब उसकी जो रेडिएशन है उसने स्ट्राइक करवाई एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब उसने एक थिन गोल्ड फॉइल आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट पास करवा लेना आप, ठीक है जी, जब उसने स्ट्राइक करवाई तो उसने देखा जो भी रेज आ रही हैं मोस्ट ऑफ द रेज तो सीधी चलेगी। समझ आ रही है? ओके। और जो कई रेज है वो क्या हुई, फॉर एग्जाम्पल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ ऐसी भी रेज थी तो डिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो बाहर से निकल गई वो तो सीधे चली गई। अब उसने ना इसका ये मॉडल दिया, उसने इसमें ये कह दिया, मान लो ये मैं बना दूं यहाँ पे, कहता हूँ प्लस, तो मैं कह रही ना अपने आप बना लियो। ठीक है जी। अब मान लो ये एक एटम है, जो तो रेज एटम के इस पार्ट से गई बेटे वो क्या गई, सीधी गई। जो न्यूक्लियस की बिल्कुल एज पे स्ट्राइक करी है, एज है वो डिफ्लेक्ट कर गई, और जो बिल्कुल सेंटर में आई वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई। समझ आ रही है? आप, मैं बच्चों को हमेशा ये समझाती हूँ कि एक वॉल है, वॉल के बिल्कुल बीच में आसपास एरिया खाली है, तो बिल्कुल बीच में एक सर्कल सा मार्बल पड़ा है, वो पता नहीं कैसे हवा में पड़ा है। ठीक है, सर्कुलर मार्बल पड़ा है ये सोच के रखो, बाकी स्पेस आसपास बिल्कुल खाली है। और आप टेनिस बॉल फेंक रहे हो, व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल्स क्या हो रहा है, बिल्कुल जो एम्प्टी स्पेस है वहां से सीधी पास करेगी, और जैसे ही वो सर्कुलर मार्बल के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो पीछे आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज थी, अगर तो वो जो मार्बल नेगेटिवली चार्ज होता कहीं से तो वहीं लग जाना था, वापस क्यों आना था, वहीं लग जाना था ना। तो उसको ये भी पता चल गया कि जो बीच में सेंटर है ना कहीं वो पॉजिटिव है। समझ आ रही है? अगर तो वापस ना आती तो उसको शक को जाना था, अगर लग गया, अगर वहां पे लग गया, अब अगर लगा नहीं तो वो क्या है, पॉजिटिव, तभी तो वापस आ सकता है, पॉजिटिव होते हैं। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव ही रह गया। समझ आ गई? तो उसने इस मॉडल को करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, हमें मॉडल ये दिया कि उसने कहा कि एक एटम एक न्यूक्लियर पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एक एम्प्टी पार्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी,
अगर कुछ स्पेस है भरी हुई वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, इसी पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते ठीक है जी, तो वो कहता है कि जो बीच वाला पार्ट है वो एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, एक सारा का सारा मास जो एटम का है वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वो उसका मास भी ज्यादा, मास ज्यादा है तभी तो इतनी लाइट अल्फा पार्टिकल्स रिवर्ट बैक होगी उसमें टकरा के, वो हल्का होता तो उसमें टकरा के वापस थोड़ी ना आनी थी। अगर मैं प्लास्टिक की शीट लगा दूं टेनिस बॉल तो ऐसे थोड़ी ना वापस आ जाएगी, अगर मार्बल लगाऊंगी तभी तो स्ट्राइक होके वापस आएगी कि नहीं आएगी, समझ आ रही है? तो जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है एटम का, वो क्या है, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज उसी में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जो आसपास जो एटम का पार्ट है जिसे उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वो एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं है भाई, 9.1 × 10⁻³⁻³ क्या मास है, मतलब पॉइंट कितनी बारी, 0.0009 की बारी करोगे तब जाके आएगा, क्या मास है वो, कुछ भी नहीं मास, वन बाय 1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या मास है, कुछ भी नहीं मास, क्या अल्फा पार्टिकल्स उनका कर लेंगी, अगर टकरा भी गया तो क्या कर लेंगी, सीधा ही निकल जाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स में तो प्रो हीलियम एटम जितना मास है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं, बस उससे बंदे से यही गलती हुई है कि उसने मॉडल तो दिया बेटे प्लैनेटरी मोशन पे दे दिया था, उसने ये कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो सेम वैसे रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम, पर वो ये सोचना भूल गया कि प्लैनेट के ऊपर तो चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है, क्योंकि उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो रेडिएशन देगा, अब कोई मेरे चार्ज टॉय को, एक चार्ज बैटरी को एक सर्कुलर फील्ड में मैं छोड़ दूं तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो जब रिवॉल्व करेगी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगी उसका ट्रैक छोटा होता जाएगा, वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए, बेचारे का मॉडल फेल हो गया, अदरवाइज उसने रदरफोर्ड ने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये कहा कि वो मास जो है ज्यादा है, और इसने ये भी देख लिया था कि जितना मास होना चाहिए प्रोटोन की वजह से उससे कईयों का ज्यादा ही आ रहा है, तो इससे आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर आया बोहर, बोहर ने मॉडल में ये कह दिया कि बिल्कुल सही है सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है जी, उसने कहा बिल्कुल सही, रदरफोर्ड बिल्कुल सही बोल के गया है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, लास्ट में अब तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, ये सबके, बोर ने क्या किया बेटे, उसने कहा सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में या शेल्स में, या उनका टर्म दिया उसने एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन शेल्स ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल एंड दीज एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, what do you mean by the term discrete or stationary, means when an electron is revolving around in its orbit they don't radiate the energy,
जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो बाहर से एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा ना लेगा, जब हम बाहर से देंगे वो एक्स्ट्री बात है। जब तक अगर फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी कंजर्व है, इट इज गिवन बाय -13.12 बाय एन स्क्वायर, यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड। वो इतनी एनर्जी, मतलब हर शेल में बेटे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व रहती है, वह एनर्जी रेडिएट नहीं करता। पर ये बात है बेटे, शेल टू शेल वेरी करती है, शेल टू शेल वेरी करती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। जितना आप घर के अपने पास होते हो, बेड दिख रहा होता है, बैठने के लिए एनर्जी लो जाती है, जैसे ही फ्रेंड्स के साथ बाहर खुला छोड़ दिया जाए आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। इन द सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स आर जितना न्यूक्लियस के पास होंगे बेटे, जितनी शेल द फर्स्ट लेवल n इज इक्वल टू 1 जिसमें लोएस्ट एनर्जी होती है, n इज इक्वल टू 2 विल बी हैव हायर एनर्जी देन हाईएस्ट एंड सो ऑन। तो तभी जो एनर्जी की टर्म है वो नेगेटिव में यूज करी जाती है। मैं अपने टाइम पे आया था सर लोग।